आजकल के बच्चे सुनते हैं किसी की? कोई नहीं सुनते। तो बस अल्लाह ने। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नजवा कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं नजवा व्लॉगर। सब फ्रेंड्स, एक नया दिन चढ़ चुका है, नई सहरी आ चुकी है, नई सहरी के साथ साथ खूबसूरत सा एक दिन है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अब ठंड भी लग रही होती है, कभी सर्दी लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है, कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इसलिए मैं आज सारे ज्यादा से ज्यादा तबीयतें भी लोगों की खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तान में और नियरर टू पाकिस्तान जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जहाँ जो है मौसम चेंज हो रहा है, उन सब में ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। तो अपना अपना बहुत ख्याल रखें और अपना अपना मतलब ध्यान रखें और ख्याल रखें अपना भी और अपनी फैमिलीज का भी और सबका। ठीक है, यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं बात को, आगे चलते हैं। आज हमारा दूसरा अशरा भी कंप्लीट हो चुका है और हमने एंटर कर लिया थर्ड अशरे में सक्सेसफुली। आखिरी अशरा है हमारा, ताक रातों के दिन शुरू होने लगे हैं। अब सारी सारी रात जो है लोगों ने जायनमाज पे गुजारनी है क्योंकि यू नो द ताक रातें एंड द इबादत स्टफ। सो तो अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने किचन की तरफ। बख्तावर है ना, एज यूजुअल कोई नहीं उठा हुआ अभी। मैं इनको कॉन्स्टेंटली उठा रही हूँ कि उठ जाओ क्योंकि हम फिर लेट हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता यार, बहुत लेट हो जाता है। अब तो सहदी ना सही से हो नहीं पाती, हना ना प्रॉपर खा नहीं पाती, क्या कहते हो उठ जाओ। तो हम पहुँच गए अपनी किचन में, रियल पराठे साथ में है, चाय और आज हमारे कबाब, आज मम्मा कबाब बना रही है। एक ही चीज ना खा के भी बंदा थक जाता है, इसलिए होता है कि रोज यहाँ तो कुछ ना कुछ चेंज कर के खाते रहो ताकि ना फिर वो बंदा थकता भी नहीं है और थोड़ा सा ना खाया जाता है। सालन ज्यादा भी नहीं, सालन इस टाइम पे खाया नहीं जाता, सहरी के टाइम पे ज्यादा। तो इस वजह से फिर हम कुछ ना कुछ चेंज कर करके ना इस तरह से खाते पीते रहते हैं ताकि कोई मसला ना हो हमें, हम भी खुश रहें और हमारी सहरी भी अच्छी हो जाए। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये आवाम उठाते हैं, इन आवाम को, सोई सूरतों को, जो ये लोग हिलते ही नहीं है यार। हमें देखो, हम सारी रात जागते रहते हैं उसके बावजूद इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश होते हैं और ये लोग सोने के बाद भी फ्रेश नहीं होते। इसको मैंने कहा था रोजा ना रखो, अब आगे मंडे है, वीकडेज है, वीकडेज में स्कूल जाना होता है, मत रखे रोजा। लेकिन नहीं, ढीठ, आजकल के बच्चे सुनते हैं किसी की? कोई नहीं सुनते, ऐसे तो कोई भी एक दूसरे की नहीं सुनता, लेकिन बच्चे तो खासकर कुछ नहीं सुनते। हेलो, मेकअप नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। ओके, कमिंग मम्स। फ्रेंड्स ये हमारे, सो फ्रेंड्स ये कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखें ब्यूटी। साथ में हम मैंने शीट भी सेट कर दिया, सिर्फ कबाब और आज हम पराठे खाएंगे साथ चाय में, स्वादिष्ट। रमजान, सो फ्रेंड्स 21वां रोजा हमने रख लिया, 21वां रोजा आखिरी अशरे का पहला रोजा और 30 रोजों में से 21वां रोजा आज हमने रख लिया। 9 रोजे रह गए हैं, 8 रोजे बल्कि, इंशाल्लाह सक्सेसफुली हम उनको भी पूरा कर लेंगे, है ना भाई। तो अब आपसे मिलेंगे हम सुबह क्योंकि मैं पढ़ने वाली हूँ नमाज पढ़ कर। आपको पता है एज यूजुअल जो मैं करती हूँ वही करूँगी, सो जाऊंगी और क्या करना है मैंने, और उसके बाद आपसे मिलेंगे सुबह। तो सुबह तक आप हमारे लिए इंतजार फरमाइए, स्टे ट्यून्ड विद अस। द नेक्स्ट डे। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा से आ चुके हैं अपने किचन में। किचन में तो हम आ चुके हैं, सेट तो कर लो कैमरा। ओके ओके तो फ्रेंड्स, अब हम किचन में आ चुके हैं। मैं खाना आज सारी ऐसे आ गए, चल तो बस अस्तगफुरुल्लाह। हने ऐसी रही, हने तुम तो शादी ना मानती, हने ऐसी रही। फ्रेंड्स आज हमारे किचन में बन रहा है आलू के पकोड़े, जो होते हैं बड़े स्वादिष्ट आलू के पकौड़े जो हम बनाते हैं रोज। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना आप इतने हसी होते, ना दिल आपे फिदा होता। ओ क्या शेर है यार, क्या शेर।
दिल रोता ना दिल दिल से जुदा होता ना कितने हंसी होते ना दिल लापे फिदा होता ना दिल लापे फिदा होता ना दिल लापे फिदा ना दिल लापे फिदा होता हना हना बुआ कहती है ये शेर मेरी तरह हना थ्री टू वन आ टू हमारे पकौड़ों का मिक्सचर पागल हो रहा है और क्या बनाऊं फ्रेंड्स हमें कमेंट में बताएं कोई ऑप्शन दे कि हम क्या बनाएं अब याद ही नहीं आ रहा सब कुछ तो मैंने बना दिया है अस्तगफिल्ला वक्त अपने बाल चेक करें मैं चेक करना हां फ्रेंड्स देखिए बताशे में मूड कुरैशी के बाद कुरैशी सॉरी सॉरी बताशे में मूड उड़न वाला सांप वैसे ही पकड़ना मैं जरा हिजाब करके देख चलो फ्रेंड्स ये तो मैं कितनी अच्छी लग रही मैंने इनको बोला था कि आज से मैं हिजाब में रहा करूंगी जो मतलब ये ताक रहते हैं और इनमें ना मैंने कहा मैं हिजाब में आऊंगी ये साथ ही मेरे साथ चिपक गई कहीं अकेले ही मुझे रहने देती हूँ अच्छा चलो मुझे यार मुझे तारी बनानी है बड़ा नया आपने हिजाब किया पढ़ो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमें क्या करना है क्योंकि अभी तो आइस बना लूं साथ क्या हाँ बुरा आइडिया तो नहीं चाहिए वो चावल भूनो वहाँ अब तारी में हम चावल भूने में खाएंगे ये हो गया है ना बख्तावर इसको निकालो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अब पाकि मतलब जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो हमें उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किसने कितने कितने रोजे रखे हैं फ्रेंड्स मेरे अब 21वां रोजा है अभी तक मेरे सारे रोजे हैं कंप्लीट तो कोई मुझे मुबारकबाद देना चाहते तो कमेंट सेक्शन में दे दे नहीं हम नहीं दे रहे फ्रेंड्स ये देखो बख्तावर का काम ये मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन मेरे से तो बने नहीं थे ढक्कन दे दो ढक्कन ढूंढो ढक्कन दे दो ना मैं तब तक अभी ये बना लूं जल्दी फ्रेंड्स अभी हमने नानो से मंगवाए हैं चने चावल और अब एक और चीज आ रही है ये चने चावल हमने इसलिए मंगवाए हैं अच्छा चने चावल हमने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि ना फ्रेंड्स हमें ना अफ्तारी के बाद ना चाय के साथ थोड़ी सी कुछ खाने की क्रेविंग होती है फिर कभी कभी क्रेविंग होती है चने खाने के साथ चावल मतलब और जब बाजार की हो ना रमजान में जैसे ही दिल चाहते हैं कुछ ना खाते रहे और नानो ये लाई है चने अलग से सहरी के लिए है ना बुआ क्योंकि हम सहरी के लिए और इसके चने चावल मतलब कहते हैं सहरी में चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि पेट नहीं भरता चावल जल्दी हजम हो जाते हैं फ्रेंड्स मैं और नानू बाहर से आ चुके थे तो अब मैं और नानू किसी चीज का ऑर्डर दे रहे हैं चटपटे क्यूट मजे से सबको अच्छे लगते हैं पानी में मुंह आ गया सबको बहुत मजे के लगते हैं जैसे सबको मोमोज अच्छे लगते हैं वैसे सबको ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है ये ज्यादा अच्छी लगती है मतलब नहीं मतलब इंडियन वालों को ज्यादा मोमोज और जो डैश अच्छा लगता है जो हमने मंगवाया है हमें भी पसंद है हां ओके तो फ्रेंड्स यहां पे बुआ अपने पकौड़े बना रही है हमने जिन अंकल से वो चीज ली है ना वो हमें जानते थे तो हमने कहा आप इन टाइम आ जाइएगा जब इफ्तारी होने वाली हो तो फिर हम आपको तो इफ्तारी भी दे देंगे फ्रेंड्स यू नो अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना स्पेशली रमजान में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प करें यस कुछ नहीं मिलता मैं कहती हूँ जो लोग ये घूम फिर के आकर आपसे मांगते हैं ना उन्हें ना दें लिटरली उन्हें ना दें ये जो मांगने वाले होते हैं मुझे सबसे अच्छा लगता है ये जो गोलगप्पे वाले होते हैं इनको देना आपने बोल दिया क्या हाँ तो वो तो मेरी जनरल बात है अच्छा, मुझे अच्छा लगता है उनको देना जैसे गोलगप्पे वाले हैं ये जैसे कल हमने उनसे वो कॉटन कैंडी दिया हाँ कॉटन कैंडी ली उनको देना जैसे गुब्बारे वाले हैं ऐसे लोगों को दे तो इसी तरह ना कहने का मकसद हर किसी ये नहीं है कि हम आपको मतलब शो ऑफ करा रहे हैं या कुछ भी लेकिन सिर्फ मैं कहने का मकसद ये कि ऐसे लोगों को दें बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा दानी क्या बोला सेटिस्फेक्शन
निकाल के देने वाला जो हमने देना था वो निकाल के और उसके बाद हमारी इफ्तारी है ये। और इस पर हमारे पास अभी तो अल्लाह खैर करे मम्मा नहीं बताना था अभी, लेकिन चलो मम्मा ने रिवील कर दिया। अगर आप लोगों ने जिन्होंने सुन लिया उन्होंने ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो देख के बता देंगे। हाँ तो ये भाई हमारे पास है पकौड़े, ये पता नहीं बख्तावर ने क्या बनाया। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है रोल, साथ में है ये चाइनीज पकौड़े और साथ में हमारे पास मजे की चीज बख्तावर अभी से डाल दिया। क्यूब्स डालूंगी ना, ये अभी नहीं डालनी थी ना स्प्राइट, सारी डाल दी स्प्राइट आपने तो। और साथ में हमारे पास है मिंट मार्गरेट। आप अरे वाह दिस इज द वे, सारी डालनी है, बहुत सारी है, यम रोजा है लग रहा है। अब इसको ना रख भी देना फ्रीजर में भर के। अंकल के लिए निकालो पहले, अब हम बैठ चुके हैं अपनी अफ्तारी करने के लिए और हमारा सामान आपने देख लिया है, कुछ मिसिंग है तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हमारी अफ्तारी में ना लगता है कुछ आ गया। सो फ्रेंड्स हियर इट इज, दिस इज द मोस्ट यम थिंग एवर। आज इसने बनाया, आज इसने बनाया फ्रेंड्स, रिफ्रेशिंग था। तो अब हम बुआ गोलगप्पे बना रही है, मतलब बुआ बन चुकी है गोलगप्पे वाले आंटी अंकल अंकल। अब सारे एक एक करके बुआ से गोलगप्पे मांगे हैं। मैं किसी को नहीं दूंगी, ये दो मुझे बड़ी प्यारी है। मैं अगर ये इसमें जो पुदीना डालता है ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इतने मजेदार खुशबू है। मैं अगर कभी लगाऊंगी ना गोलगप्पों की स्टॉल रेडी तो मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद खा लूंगी, कोई ना आए मेरी रेडी पे। ना डालू मम्मा के लिए, डालने दो ना मम्मा, डाल दू आपके लिए, डालो बेटा मजेदार है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तीन तीन है ना, 14 दिए इन्होंने तो, हम तो 12 मांगे थे वो फिर उसके हिसाब से 14 दिए ना, तो 14 मतलब कितने आएंगे सब में, चार चार पता नहीं, ये लो इसमें डाल देना, तीन तीन बनते हैं दो एक्स्ट्रा, वो मैं अंडा खा लेंगे क्योंकि हम बच्चे हैं। गोलगप्पे बेचारे जो लोग खाते ना उनका हिसाब किताब, तीन सर्दी क्यों लगने लगी मुझे गोलगप्पे खा के, ये देखिए मेरी तैयारी। अस्तग़फ़िरुल्लाह जंगली हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बन रही है चाय, चाय के साथ हम खाने लगे हैं। आप अपने बन नहीं रही, बन गई है। चले फ्रेंड्स इनको तो बस बैठे चने चावल, सर में दर्द होने लग गया है यार, पता नहीं क्या मसले है यार। हन्ना मैं तो मर गई, पहले ना मैंने खट्टा पानी पिया, खट्टे के ऊपर मीठा, मीठे के ऊपर मिर्चा, अब मिर्चा के ऊपर मिर्चा 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 अन्ना जो